हेलो दोस्तों, जैसा कि आप अभी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं TVS की ऑल न्यू अपाची RTR 164 भी, जो कि 40 मिलियन एडिशन में TVS ने इसको लॉन्च किया है। तो यहाँ पे आप अगर इसके पेट्रोल टैंक पे देखें तो आपको 4 मिलियन एडिशन का एक स्टिकर देखने को मिल जाता है और यहाँ पे भी आपको 160 लिखा हुआ देखने को मिल जाता है। ब्लैक और रेड कलर का आपको इसमें कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है और साइड में आपको, जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो सीट है वो दोनों साइड में रेड और बीच में ब्लैक, और यहाँ पे आपको TVS का ब्रांडिंग भी देखने को मिल जाता है, जो कि देखने में काफ़ी प्रीमियम आपको ये देखने में इसका लुक निकल के सामने आता है। और इसमें टेल लाइट भी आप देख सकते हैं और साथ ही यहाँ पे आपको एक की भी मिल जाता है इसका सीट खोलने के लिए। यहाँ पे आपको नॉन फ्लेक्सिबल जो है इंडिकेटर देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको रेड कलर का एलो व्हील देखने को मिल जाता है, जो कि देखने में काफ़ी खूबसूरत लगता है, जैसा कि KTM में आपकी बाइक में देखने में लगता है। डुअर बैरल एग्जॉस्ट आपको इसमें देखने को मिल जाता है, जो कि इस बाइक को और भी प्रीमियम लुक देता है, जो कि 200 में इस तरह का आपको फीचर देखने को मिलता है। साथ ही यहाँ पे आपको RTR 164 भी लिखा हुआ देखने को मिल जाता है स्टिकर में, RTR व्हाइट में, और 164 भी आपको रेड और इसके ऊपर व्हाइट में आपको देखने को स्टिकर में देखने को मिल जाता है। ओवरऑल लुक जो देख रहे हैं आप काफ़ी प्रीमियम है 160 के हिसाब से अगर आप देखें। पेट्रोल टैंक पे आपको TVS का घोड़ा देखने को मिल जाता है और LED हेडलाइट का आपको सेटअप देखने को मिल जाता है। जैसा कि आप अगर फ्रंट और रियर देखें तो दोनों में आपको रेड कलर का एलॉय व्हील देखने को मिलता है। साथ ही इसमें आपका जो 200 में जो अपग्रेड किया गया था इसके क्लच लीवर और ब्रेक लीवर को आप एडजस्ट कर सकते हैं, वैसा ही फीचर आपको 160 में भी देखने को मिलता है। और ये वीडियो मैंने लिया है बाइकर बाबू बाइकर हंटर का, जिनका यूट्यूब चैनल है, तो इनको चैनल को भी आप चेकआउट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनका चैनल का लिंक आपको देखने को मिल जाएगा। साथ ही यहाँ पे आप ये ब्रेक को एडजस्ट कर सकते हैं, ब्रेक लीवर को, और इसका क्लच लीवर को भी आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। साथ ही यहाँ पर आपको इस साइड में इंजन क्यूल स्विच, राइडिंग मोड चेंज करने के लिए यहाँ पर आपको स्विच मिल जाता है, जैसा कि अभी अर्बन मोड है, स्पोर्ट मोड, और यहाँ पर आपको रेन मोड देखने को मिल जाता है। टाइमिंग, ब्लूटूथ वगैरह, न्यूट्रल वगैरह सब कुछ आपको इसमें देखने को मिल जाएगा। साथ ही ये सिंगल चैनल ABS में, तो यहाँ पे आपको ABS का भी देखने को मिल जाएगा। यहाँ टाइम है, फ्यूल गेज, स्पीड, न्यूटन मीटर, मतलब काफ़ी सारे डिटेल्स यहाँ पे देखने को मिल जाता है। साथ ही इस बाइक में आपको फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल देखने को मिल जाता है। न्यूट्रल का लाइट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा और स्क्रीन पर भी आप इसके गियर इंडिकेटर पोजिशन को देख सकते हैं। साथ ही इसमें आपको ब्लूटूथ वगैरह मिल जाता है। इस साइड में भी आपको कुछ स्विच देखने को मिल जाता है, जिससे आप यहाँ पर चेंज वगैरह कर सकते हैं। साथ ही इसमें हाई बीम, लो बीम, और यहाँ पर आपको येलो कलर का हेलोजिन बल्ब इंडिकेटर देखने को मिल जाता है। ये जो इंडिकेटर है ये नॉन फ्लेक्सिबल है, ये फ्लेक्स नहीं करते हैं। साथ ही अगर इसके लाइटिंग के बारे में बात करें, यहाँ पे आपको घोड़ा देखने को मिल जाता है। और चलिए अब इसके देखते हैं कि इसका लाइटिंग सामने से देखने में कैसा नज़र आता है। तो यहाँ से मैं फ्रंट से अगर आप देखते हैं तो ये लो बीम में है, तो लो बीम में इस तरह का आपको लाइट देखने को मिलता है, जो कि आपको इसमें DRL भी देखने को मिल जाता है और LED हेडलाइट भी देखने को मिल जाता है। और अगर यहाँ पर आप फ्रंट में भी देखें तो यहाँ पर इंजन आपको बिल्कुल सेम वही रखा गया जो कि पहले था, थोड़ा सा रिफाइन आपको भी देखने में मिल सकता है चलाने में, क्योंकि इसमें जो कैथलेटिक कन्वर्टर भी आपको इसमें देखने को मिल जाता है। और जो भी इसका पावर वगैरह था वो बिल्कुल पहले की तरह ओल्ड मॉडल की तरह ही सेम रखा गया है। पावर वगैरह में आपको ज़्यादा कुछ फर्क इसमें देखने को नहीं मिलता है। इसमें जो कलर और जो फीचर हुआ है वही सिर्फ चेंज आपको इसमें देखने को मिलेगा। ABS यहाँ पर देख सकते हैं, फ्रंट में डिस्क ब्रेक भी मिल जाता है। इंजन कॉल पर आपको हाइपर एज लिखा हुआ देखने को मिल जाता है, जो कि ब्लैक कलर में ये बाइक पूरा है। इंजन पर भी आपको TVS लिखा हुआ देखने को मिल जाता है। तो ये कुछ इस तरह का आपको बाइक यहाँ पे देखने को मिलता है। पेट्रोल टैंक पे यहाँ पे आपको रेड और ग्रे का स्टिकर देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी खूबसूरत नज़र आता है। तो ये कुछ आपको बाइक इस तरह नज़र आता है। और आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको इस बाइक का लुक कैसा लग रहा है, और वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो और आगे अगर हम बात करें तो इसमें आपको टेलीस्कोपिक फोर्क सस्पेंशन देखने को मिल जाता है, जैसा कि पहले था। मतलब कलर और ग्राफिक्स वगैरह और ब्लूटूथ वगैरह ही इसमें चेंज किया गया है, बाकी जो भी सस्पेंशन वगैरह था बिल्कुल पहले की तरह ही सेम रखा गया है। पीछे मडगार्ड भी मिल जाता है, रिफ्लेक्टर भी देखने को मिल जाता है। साथ ही इसमें आपको TVS का स्मार्ट एक्स कनेक्ट का भी फीचर देखने को मिल जाता है। तो ओवरऑल लुक आप इसका देख सकते हैं कि कैसा निकल के सामने आ रहा है। मुझे तो ये बाइक का लुक काफ़ी पसंद आ रहा है। आपको कैसा लग रहा है ये मुझे कमेंट करके बताएँ। और अपने चैनल पे एक बड़ा धमाका होने वाला है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर अपडेट्स। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए राइड विद बाइक।